हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए वर्ड ऑफ द डे 52। याद होगा आपको 51st में आपको एक वर्ड दी गई थी और बोला गया था कि आप इसका वर्ड मीनिंग, इनन्सिएशन और ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसे आपसे ट्रिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपने शायद कोशिश नहीं की, फिलहाल मैं इसको बताता हूँ आपको। आप ध्यान से देखिएगा, इसकी हिम्मत करिएगा कि कैसे बिना ज़्यादा परेशानी उठाए या बिना परेशान हुए लंबे समय तक किसी वर्ड को कैसे याद किया जा सकता है। कंफर्म करते हैं, ये वर्ड SAVANT जिसका इनन्सिएशन या शुद्ध उच्चारण होता है सावेंट, 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 मतलब होता है बुद्धिमान या ज्ञानी। ये एक नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका यूज़ हम एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब के रूप में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन चेक हियर, मिस्टर AK स्वामी इज़ ए मैथमेटिकल सावेंट, राइटर एंड एजुकेटर, है ना। सिनोनिम्स यहाँ पे आपका साफ साफ दिया हुआ है, सेज पंडित। एंटोनिम्स है आपका निटविट या ट्विट। बहुत अच्छा शब्द मैं आपके लिए लाया हूँ एंटोनिम्स में, आप एक बार जरूर चेक करिएगा। बहुत कॉम्पिटेटिव होता है ये, कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन कंपटीशन में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। निटविट सुनने में अच्छा लगता है ना, ट्विट आपको पता ही है, ट्विट ट्विटर वाला, बट आपको थोड़ा सा इसका अर्थ अलग लगेगा क्योंकि इसका अर्थ अपोजिट होगा बुद्धिमान या ज्ञानी का। चलते हैं, कंफर्म करते हैं कीवर्ड। बिना कीवर्ड के आपसे बनने वाला नहीं है, तो हम चलते हैं इस कीवर्ड को पहले की तरह कंफर्म करने। देखिएगा, इसका कोई ज़्यादा हमने तोड़ मोड़ नहीं किया। ये सावंत, सावंत भले हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सावंत सावंत है और ये सावंत यहाँ पर है, राखी सावंत, है ना। ये साउंड वैसे ही देगा राखी सावंत वाला, इसलिए हमने रख दिया। आपने शायद देखा हो शुरू में तो आपको भी लगा हो कि हाँ ये सावंत वाला साउंड क्रिएट करेगा, बट ये सावंत है। लेकिन हम इसको जो जुगाड़ है, जो कोरिलेशन है, जो हमारा यहाँ पर बनने वाला है साउंड, वो हम सावंत को लेकर के आएंगे। सावंत, राखी सावंत मान लिया आपने, अगर मान लिया हो तो आप ये मत कह दीजिएगा कि राखी सावंत बुद्धिमान थी। चलिए सर, हो गया, हमने कोरिलेट कर दिया, अच्छा सा कोरिलेशन हो गया। भैया मैं नहीं मानता राखी सावंत बुद्धिमान थी, अगर आप मानते हो तो मान लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो सिर्फ मानना है, भाई मान तो सकते हैं, बट आप थोड़ा सा और कुछ मानो ना, देखते हैं कैसे मानते हैं हम इसे। दो लाइन जो आपको मैं बता चुका हूँ, ये कपलेट, ये शेर है जो बहुत सारे पोएम्स के साथ मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम समीर सिंह वीडियो में, एक बार जरूर जाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे पोएम्स मैंने रिसेंट में भी डाले हैं, चार चार लाइन के भी। और जो दूसरा है सेक बाय समीर सिंह, ये भी एक इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पर आपको बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे, इडियम्स, फ्रेजेज, वोकैब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको लिटरेचर से रिलेटेड और ग्रामर के रूल्स मिलेंगे। तो जाइएगा जरूर, देखिएगा जरूर, ठीक है। कन्फर्म करते हैं इस दो लाइन से कि क्या होने वाला है, कैसे सावंत, राखी सावंत को हम बुद्धिमान बनाने वाले हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा, ये राखी का स्वयंवर, आपको शायद पता हो राखी का स्वयंवर जो हुआ था ना, उसमें महान बुद्धिमान लोग जो थे, मैं रिलेट नहीं कर रहा बुद्धिमान का, बस आपको बता रहा हूँ सच्चाई, महान बुद्धिमान लोग, जब स्वयंवर शुरू हुआ, जब ये सीरियल शुरू हुआ, लॉन्च किया गया, तो एप्लीकेशन मांगे गए, आवेदन मांगा गया कि कितने लोग राखी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो रियलिटी शो थी, राखी का स्वयंवर था। दुनिया के महान विद्वान जो थे उन्होंने आवेदन किया। पता है आपको आवेदन की संख्या क्या थी? आवेदनकर्ताओं की संख्या थी 12,000 लोग। 12,000 महान विद्वान अपना फॉर्म फिल किए, एप्लीकेशन दिए कि भैया हम राखी से शादी करना चाहते हैं। उनमें से महाधुरंधर 16 व्यक्तियों का चयन किया गया राखी की टीम के द्वारा, ये 16 उनके लिए सूटेबल है, इन्हीं 16 में से किसी एक को चुनना है स्वयंवर में राखी के शादी के लिए। फिनाले आ गया, फिनाले में बताया गया कि 3.25 करोड़ लोगों ने देखा उस सीरियल को, इतना TRP उसकी इंक्रीज हुई थी, 3.25 करोड़। आपको लगता है ये नॉर्मल नहीं है? और फिर लास्ट में क्या हुआ, इलेश महोदय जो विजेता बने थे, Best 3 में से चूज किए गए थे NRI कैनेडा के, उनसे इन्होंने इस तरीके से कर लिया, शादी नहीं किया था, आप उस स्टेज पर इन्होंने इंगेजमेंट कर लिया और कहा हमें कुछ टाइम चाहिए, राखी सावंत महोदया ने टाइम चाहिए, हम उसके बाद शादी कर लेंगे इनसे, ठीक है। तो ये तो रहा केस इनका, राखी सावंत का, राखी स्वयंवर का। अब हम चलते हैं दो लाइन और देखिए कैसे इस कीवर्ड को, राखी सावंत को हम बुद्धिमान बनाते हैं। सीरियल बनाया, ठीक है, TRP के लिए शादी के फेरे भी लगाया, TRP इतना TRP बूम किया था, सीरियल बनाया, TRP के लिए शादी के फेरे भी लगाया, खूब पैसे कमाया, पैसे भी कमाई, TRP भी, नाम भी, है ना। फिर अपना असल ये दिखाया, बुद्धिमान सावंत ने दूल्हे को मार भगाया। अब ये बुद्धिमान कहना सही होगा, धूर्त कहना सही होगा,
क्या होगा, बट यहाँ पर ये बुद्धिमान वाला वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में कि ये महान बुद्धिमान थी राखी सावंत, उसने टीआरपी कमाया, पैसे कमाए, नाम कमाया और दूल्हे के नाम पर इलेश के पिछवाड़े पर लात मारकर भगा दिया। यानी कि इस तरीके से हम सावंत को इस उच्च लेवल के बुद्धिमान धूर्त के रूप में मानेंगे। तो इतनी बड़ी ज्ञानी थी ये औरत, इतनी बुद्धिमान थी, इसने क्या क्या कांड किया आप सोच सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से हम कोरिलेट करेंगे कि सावंत ने क्या किया। हाँ, फिर से चलता हूँ मैं आपको ये बताने कि अब की बार, इस बार मैं आपको होमवर्क नहीं देने वाला, मैं होमवर्क लेने वाला हूँ। यानी कि आप मुझे कोई शब्द दीजिए, कोई वर्ड दीजिए जिसका मुझे बनाना हो ट्रिक, कोशिश करूँगा आसान बनाने का, टाइम हो सकता है लग जाए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए कि कौन सा वर्ड आपको नहीं आ रहा है, छोटा हो बड़ा हो, बट ऐसा भी ना हो कि वो तामझाम वाला हो, लगे कि आपको वो जेन्युइन है, ठीक है, पैर खींचने वाला नहीं, वो लेग पुलिंग ना हो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हाँ मेरा भी ख्याल रखिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके।